पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी पीआर टीम ने यह जानकारी साझा की। पोस्ट के मुताबिक पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर का शिकार हुई। महज 32 साल की थी पूनम। कानपुर में पैदा हुई पूनम पांडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर छा जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने दो रास्ते चुने, एक मॉडलिंग का, दूसरा विवादों का। पूनम पांडे ने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2011 में कैलेंडर गर्ल के तौर पर उन्हें जाना गया, पहचाना गया। साथ ही इसी साल उन्होंने एक बेतुका या कहें विवादित बयान भी दिया। पूनम ने कहा था अगर टीम इंडिया 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो स्ट्रिप करेंगी। पूनम पांडे को इस बयान के बाद काफी सुर्खियां मिली। टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीती लेकिन पूनम पांडे अपना वादा नहीं निभा पाई। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी मोबाइल ऐप पर खुद के कपड़े उतारने का वीडियो शेयर किया। 2012 में केकेआर टीम के आईपीएल जीतने के बाद भी पूनम पांडे ने अपने कपड़े उतारे थे। इन सब तरीकों से पूनम पांडे को काफी फेम मिला, लोग उन्हें पहचानने लगे। 2017 में पूनम पांडे की मोबाइल ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। क्यों? ये ना तो गूगल ने बताया ना ही पूनम पांडे को पता था। पूनम से एक इंटरव्यू में जब उनके विवादित बयानों और कुछ हरकतों पर पछतावा होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, हाँ कुछ चीजों पर पछतावा होता है पर कुछ पर नहीं। कभी कभी लगता है जो मैंने किया मुझे वो हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी सच है कि इन सब हरकतों की वजह से ही लोग मुझे पहचानते हैं। मैं जब अपनी बिल्डिंग से बाहर जाती हूँ तो मेरे आसपास कैमरा होते हैं। मॉडलिंग के अलावा पूनम पांडे ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। 2013 में पहली फिल्म नशा रिलीज हुई। ये एक बोल्ड फिल्म थी। इस फिल्म के पोस्टर पर काफी विवाद हुआ था। महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना ने नशा के पोस्टर को वल्गर बताया था, पोस्टर लगाने का विरोध किया था। पूनम पांडे ने फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स दिए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह धराशायी हुई थी। 2015 में तेलुगु फिल्म मालिनी एंड कंपनी और 2018 में हिंदी फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा में पूनम पांडे नजर आई, लेकिन दर्शकों की नजर इन दोनों ही फिल्मों पर नहीं पड़ी। कुल मिलाकर पूनम पांडे का करियर फ्लॉप रहा। उन्हें 80 mm पर्दे पर कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बीच इंस्टाग्राम पर मोबाइल के पर्दे पर उनकी शोहरत बढ़ती जा रही थी। अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज की वजह से पूनम पांडे के फॉलोअर्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन विवादों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाली एक सेक्स टेप पोस्ट कर दी थी जो बाद में उन्हें डिलीट करनी पड़ी विवादों की वजह से। पूनम पांडे की पर्सनल जिंदगी भी विवादों से दूर नहीं रह पाई। 2020 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की। 1 सितंबर को शादी हुई। 11 सितंबर को पूनम ने अपने पति के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पूनम का आरोप था कि उनके पति ने उन्हें मोलेस्ट किया और मारा पीटा। 23 सितंबर को उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर कहें तो पूनम की जिंदगी विवादों से भरी रही, चाहे वो मॉडलिंग का करियर रहा हो, चाहे फिल्मों का, चाहे निजी जिंदगी। जो वो चाहती थी वो उन्हें कभी नहीं मिला और एक खतरनाक बीमारी के हाथों वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई।